यह अब ताजा मामला हावड़ा का है, जहां एक बच्चे ने आरोप लगाया कि स्कूल में जय श्री राम बोलने पर उसके स्कूल टीचर ने उसे पीटा, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया और ममता सरकार पर हमला बोल दिया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने इसे ममता सरकार की तानाशाही करार दे दिया और बंगाल में आंदोलन की चेतावनी दे दी। वहीं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्या सेन ने पिछले दिनों में कहा कि जय श्री राम के नारे का पश्चिम बंगाल की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, जिसका तृणमूल कांग्रेस ने समर्थन किया था। और अब कोलकाता में कई जगहों पर अमर्त्या सेन के बयान के पोस्टर दिखे जा रहे हैं। তারপর এসআর এসেছিল, কে বল কে বলেছে জয় শ্রী রাম, এ পুজো পাজা বলেছিল এই দুটো আরিয়ান আর আকাশা দুটোকে মেরেছে। জয় শ্রী রাম শুনতে পেয়ে ক্লাসে ঢুকে জিজ্ঞাসা করে যে জয় শ্রী রাম কে বলেছে, তখন বলে যে একটা বন্ধু, পাশের বন্ধু বলে যে এরা দুজন বলে, তো আকাশ সাউকে চুলমুটি ধরে মেরেছে, আমার ছেলে পিঠে মেরেছে, আমার ছেলে খুবই সাহস। बच्चे को जब जय श्री राम नहीं कहा उसने तो पीटा है, प्रिंसिपल ने पीटा, ऐसा उसके घर वालों का परिजनों का आरोप है। देखिए, ये पहली बार नहीं है, क्योंकि सरकार की इसी प्रकार जो मूड है तो बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं। ममता बनर्जी को जय श्री राम बोलने से लोगों को अरेस्ट किया गया, डंडा से पीटा गया। अभी तक मुझे जहाँ तक जानकारी, कम से कम चार लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को जय श्री राम बोलने के बाद उनको पीट पीट के मारा गया है। अब मॉब लिंचिंग को लेकर देश भर में उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। अमर्त्या सेन तक बोलते हैं बंगाल में जय श्री राम बोलने से उनका ऊपर मॉब लिंचिंग होता है, बाकी पता नहीं कहाँ हुआ है, लेकिन हमको झेलना पड़ रहा है। और कई जगह जय श्री राम बोलने के कारण अरेस्ट हुआ है, डंडा चलाया गया है। लगता है कि जय श्री राम बोलना गुनाह है, ये कैसे जायज हो सकता अपने देश में? कोई भी बोल सकता है और बोलेंगे भी हम। विनोद बंसल, बताइए, जय श्री राम बोलने पर आपत्ति?